अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ ज़ीशान और आज काफ़ी दिनों बाद एक और वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है। मौका क्या, रमज़ान शरीफ भी स्टार्ट हो गया और थोड़ी सी मसरूफियत ऐसी थी कि मौका नहीं मिला मुझे। काफ़ी दोस्तों ने काफ़ी मैसेज किए, काफ़ी कह रहे थे। आज बाई चांस मेरी मुलाकात होगी, साजिद भाई आए हुए हैं। साजिद भाई की वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ, बना चुके हैं, इनसे काफ़ी बातें पहले हो चुकी हैं, लेकिन इनसे बहुत सारी नई बातें करनी है। तो साजिद भाई आए हुए थे, मैंने कहा चलें चलते हैं इनके पास, आए पार्किंग में। अफ्तारी का टाइम अभी 1 घंटा है हमारे पास, लेकिन चलें इतनी देर में हम लोग साजिद भाई से गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, कैसे हैं जनाब? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं शानी भाई, ठीक हैं, खैरियत से साजिद हैं? भाई अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। चलें, बड़ी खुशी हुई, काफ़ी अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई। साजिद भाई हमारी कंपनी से चले गए थे किसी और कंपनी में, तो साजिद भाई सुनाएं आपको कैसा लगा हमारी कंपनी छोड़ के आप गए दूसरी कंपनी में। इंसान कोशिश करता है बेहतर से बेहतर की तलाश करता है, तो क्या चेंजेस आपको इसमें और उसमें क्या आपको डिफरेंस लगा, क्या कुछ बेनिफिट्स बताएं, कुछ नुकसान बताएं हमें, बिल्कुल मेरे जी, दोस्तों को पता चले। बिल्कुल। मैंने यहाँ पे इस कंपनी में तकरीबन 2 साल पूरे काम किए, तो एलमैक्स में? एलमैक्स में, तो जी। माशाल्लाह अच्छा काम किया, यहाँ पे भी ठीक है काम। तो दूसरी कंपनी में जब ज्वाइन किया हमने, तो हमें मतलब सैलरी की वजह से ही ज्वाइन किया, जहाँ पे 2-4 पैसे फालतू हाँ, मिलेंगे फालतू आदमी वहीं सैलरी। पे जाना कुवारा समझता है। तो उस कंपनी में हम गए, तो माशाल्लाह से ठीक है कंपनी, सैलरी वगैरह भी उनकी ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे आप 8 के 10 के करीब हैं दरमियान में, वहाँ से आप तकरीबन 12-13 के करीब पहुँच जाते हैं जलोटे, सही, 12-13 हज़ार जलोटे जलोटी, पॉलिश जलोटी। जी। तो क्या ड्यूटी में भी कोई फ़र्क है साजिद भाई, क्योंकि आप 2 साल यहाँ, मैं भी ड्यूटी कर रहा हूँ, लेकिन आप तो जहरी सी बात है, अब आपके पास दूसरी गाड़ी है, तो क्या ड्यूटी क्या है इसमें? ड्यूटी असल में इस कंपनी में ज़्यादातर फ्रीज़र वाले ट्रेलर हैं इनके पास, अच्छा तो इनका फ्रीज़र वाला काम है। तो इसमें यह है कि आपको लोडिंग अनलोडिंग हमारी जो कंपनी में है, इसमें उस उतना टाइम नहीं लगता, एक ये बात। और दूसरी ये बात है कि इस कंपनी के हैं लॉन्ग रूट। सही है। एलमैक्स के तो आप देखेंगे जर्मनी, जर्मनी से पोलैंड या छः सात नैदरलैंड, छः सात मुल्कों में हम लोगों ने जाना होता है हाँ एलमैक्स में, तकरीबन। तो लेकिन जो हमारी कंपनी है इनका इटली, स्पेन, पुर्तगाल, मतलब अच्छा लॉन्ग लॉन्ग ट्रिप है, लॉन्ग जो ट्रिप होता है कम से आपका, कम भी मतलब 2500, 3000, 3500 किलोमीटर किलोमीटर एक जाना। साइड गए हैं। मतलब सही आप स्पेन का ट्रिप मिल गया तो आपके आने जाने के 2 हफ्ते चले गए, समझो सही है, ठीक ये सिस्टम है। तो वहाँ पे जो ड्राइविंग ज्यादा है, एलमैक्स में था लोडिंग अनलोडिंग पे टाइम 3-4 घंटे लग जाते, 3-4 अनलोडिंग में लोडिंग में ऐसे लगे, तो ड्राइविंग आपका मतलब कम होता है। हाँ जी। तो उसमें यह है कि उसमें आप ड्राइविंग ज्यादा है और अनलोडिंग लोडिंग का टाइम कम है। सही है। एलमैक्स में डबल ड्राइवर है, उसमें फायदा है, दो ड्राइवर टीम अच्छा ड्राइवर, उसमें फायदा है जी क्योंकि जी आपके ट्रिप छोटे हैं। जो सही है। हमारी कंपनी में है उसमें अगर आप टीम ड्राइवर चलेंगे तो उसमें आपके ड्राइविंग टाइम ज्यादा चलेगा, मतलब आप दोनों ड्राइवर की पूरी 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 ड्यूटी पूरी देनी पड़ेगी। ड्यूटी, कोई रीजन नहीं है खड़े होने का, तो फिर आप कंपनी को जवाब देना होता है भाई हम किस वजह से हाँ खड़े किस हो वजह गए, से खड़े। तो कोई मसला नहीं है तो फिर चलना पड़ता है। सही है। ये तो गल्फ कंट्रीज में इसको सलाजा कहते हैं, फ्रीजर वाली गाड़ी है जिसमें फ्रूट्स और दूसरे मेडिसिन सब्जियां, वगैरह, मेडिसन है, मीट है, इस किस्म का सामान, वो माइनस चॉकलेट्स टेम्परेचर, वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह, आइसक्रीम वगैरह जो माइनस टेम्परेचर पे होता है उसको भी मेंटेन रखना होता है, उसका क्या तरीका कार है साजिद भाई? उसका जिस टाइम हमें कंपनी ट्रिप देती है उस टाइम वो हमें बता देती है कि कितना टेम्परेचर रखना है, अच्छा वो पूरी डिटेल दे देते हैं कि इतना टेम्परेचर रखना है। फिर डीजल वगैरह भी पहले चेक कर लेना है कि डीजल वगैरह इसका फुल है, फिर जी, टेम्परेचर। असल में इसका जब माइनस टेम्परेचर होता है ना, तो फिर आदमी को बहुत तंग करता है, तंग करते अब हो बहुत तंग करता है आदमी को, कैसे? मतलब सोने नहीं देता है, बहुत इसका साउंड हाँ होता है। साउंड होता है। अच्छा नहीं, सही अपनी जी तो आदमी कर लेते हैं, लेकिन पार्किंग में जो दूसरी गाड़ियां खड़ी होती है ना,
वो भी आदमी लोग डिस्टर्ब होते हैं तो आदमी को खुद अच्छा नहीं लगता, लेकिन अभी मजबूरी होती है आपको, जैसे मालूम है जर्मनी में पार्किंग का क्या हिसाब किताब है। जी जी जी। तो फिर जगह अभी तो नहीं चल रहा, अभी वीडियो के लिए बंद किया या नहीं? नहीं, ये अभी लोड दूसरा है, ये अभी लोड है अमेजोन का ही लोड है। अच्छा, अमेजोन का लोड, ये इधर कपड़े वगैरह इसमें लोड है। सही है, सही है। मतलब बहुत कम चांस होते हैं, मैं तकरीबन अभी छठा महीना है उस कंपनी में, 3 या 4 लोड जो है वो ऑन वाले मिले होंगे। अच्छा, बाकी ऑफ, बाकी ऑफ वाले ही है। सही है। क्या कंपनी का नाम भी शेयर करें ना मेरे दोस्तों के साथ? कंपनी का, हमारी कंपनी का नाम है नतानक, और इनका ऑफिस जो है क्राको में है। ठीक। और बेस इनकी जो है इधर रोसलो के पास है, ओसला के पास। ओसला के पास है। सही है। और साजिद भाई, ये दूसरा हम लोगों का तो एलमैक्स में ऐसा था कि बस आपको ट्रांजिट में हम लोगों को आ जाता है, टास्क आता है, उसमें कोऑर्डिनेट्स नंबर होते हैं, हमने बस वो डाले और उसको फॉलो करके तो चले गए। हर कंपनी का अपना एक रूल है, तो क्या डिफरेंस है उस कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, और सैलरी वगैरह क्या कर रहे हैं वो लोग, दे रहे हैं टाइम पे, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है या कटिंग हो रही है या क्या, उसमें क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, सैलरी का तो डिफरेंस मैंने आपको पहले बता दिया कि मतलब यहाँ से सैलरी अच्छी है, लेकिन सैलरी अच्छी होने का मतलब ये है कि वहाँ पे कुछ सख्तियाँ भी हैं, कुछ रूल उनके इनसे डिफरेंट हैं। अच्छा, ठीक है। उनका मिसाल के तौर पे अगर आपको ट्रिप दे रहे हैं फ्रांस का दे रहे हैं, जी, अब उन्होंने वो रोड फिक्स किए हुए हैं कि आपने इस रोड से जाना है, आगे इस मतलब रोड पे जाना है, रोड जो देते हैं, हाँ वो जो रोड देते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। वो उन सिर्फ एक तस्वीर भेज देते हैं मैप की, उसमें सिर्फ ये शोर है कि ये फलानी रोड है, ये फलानी रोड है। अभी उस पे जाना कैसे है वो आप जाने और आपका काम जाने। अच्छा। क्योंकि आप गूगल पे भी अगर डालेंगे तो वो आपको वो लोकेशन नहीं देगा जो आपको उन्होंने भेजी होगी। जी जी जी। तो फिर उसके लिए पहले हमें टुकड़ों में मतलब लोकेशन डालनी पड़ती है, पहले फलानी रोड तक लोकेशन डालेंगे। अच्छा। फिर वहां से आगे दूसरी। इसकी रीजन ये है क्योंकि कुछ रोड पे जो है टैक्स ज्यादा है और उसके मतबादल रोड मौजूद है। हाँ हाँ हाँ, सही है। इसलिए जैसे अब मिसाल हम पाकिस्तान में कर लें, हाईवे और मोटरवे, अभी जो ड्राइवर जिसकी अपनी गाड़ी होगी वो तो हाईवे से जाएगा कि भाई चलो मेरे टूल टैक्स बच जाए। हाँ जी। अब जो किसी की गाड़ी चला रहा होगा तो वो तो बोलेगा ठीक है, अब मालिक का नुकसान है, तो जो मालिक है वो अपनी जेब से तो नहीं देगा, वो बाद में ड्राइवर से काटेगा भाई आप उधर से क्यों गए। ये सिस्टम है इनका। और बाकी सैलरी टाइम पे दे देते हैं। अच्छा। लेकिन ये है कि अगर आपने कोई मिस्टेक की है उसका वो कटिंग करते हैं, वो बताते भी हैं इस चीज की कटिंग है। तो ये सिस्टम है। तो बाकी छुट्टी वगैरह का क्या आपका? छुट्टी अव्वल तो हमें तो जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। फिलहाल जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जब आप कंपनी से कह दें मतलब आप वीकेंड पे आना चाहते हैं तो आप 2 दिन पहले उनको बता दें, क्योंकि उनको अरेंज करना पड़ता है। जाहिर सी बात है कोई एक सिटी के अंदर तो नहीं है, हम एक कंट्री में साथ वाले नहीं, 2-3 कंट्री छोड़ के होते हैं, तो फिर वहां से अरेंज करना पड़ता है उनको वापस आने के लिए। तो उसके लिए उनको एडवांस में बताना पड़ता है। अगर तो उनकी भी मतलब ना सेटिंग बन सके तो माजरत भी कर सकते हैं कि अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको नेक्स्ट वीकेंड दे दें, तो फिर आदमी देख लेता है, अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो आदमी बोल देता है ठीक है नेक्स्ट वीकेंड, फिर वो नेक्स्ट वीकेंड से पहले ही आपको बुला लेते हैं, वापस बुला लेते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और साजिद भाई, एक और चीज मुझे बताएं कि हमारी तो वर्कशॉप जो है हमारे अपनी बेस के साथ ही है, हम लोग जो काम होता है वापस आते हैं तो पहले अपने मुतलका जो हमारे बंदा है उसको बताते हैं, वो इनको मेल करता है वर्कशॉप में हमारा तरीकाकार ये है, और गाड़ी आ जाती है और वर्कशॉप वाले काम कर देते हैं, उसमें ड्राइवर का कोई रोल नहीं होता है, बस ड्राइवर ने जस्ट गाड़ी वर्कशॉप तक लेके आनी होती है, वर्कशॉप में गाड़ी डाल के और वेटिंग रूम बना हुआ है हम लोग बैठ जाते हैं। आपका क्या तरीका कार है वर्कशॉप का, और गाड़ी का अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए रास्ते में या वापस आके आप, तो आपका क्या उस कंपनी में क्या चल रहा है? जी देखें, रास्ते में तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ये नई गाड़ियां होती हैं, फिलहाल तो ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया हमारे साथ। सही है। तो जब आएगा तो उसकी भी चले इन्फॉर्मेशन देंगे। अच्छा। लेकिन उम्मीद है कि हमारी जो कंपनी है वो आपको वहाँ पे रिकवरी भेज देती है। सही है। जिस भी कंट्री में आप होंगे। ठीक। तो जो छोटा मोटा काम मतलब जो कुछ दिनों के बाद कर सकता आदमी, तो वो फिर वर्कशॉप हमारी उधर ही बेस पे ही बनी हुई है। अच्छा। तो वहाँ पे ही सब है, मैकेनिक भी है, सारा सिस्टम इलेक्ट्रिशियन वगैरह भी है, सिर्फ वहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी है, साथ ही ऑफिस बना हुआ है, उसको रिपोर्ट देनी है कि ये काम है, बस आप उधर रूम बना हुआ है, आप रूम में जाना चाहें रूम में चले जाएं, नहीं तो आप गाड़ी में वेट करें, कोई इशू नहीं है वहाँ पे, गाड़ी में आप वेट कर सकते हैं। अच्छा।
साजिद भाई, इसके अलावा ये क्या है कि आपने कंपनी एक छोड़ी दूसरी ज्वाइन की, तो जी इसमें क्या कोई प्रॉब्लम आता है या इसका प्रोसीजर क्या है, आसानी क्या है इस किस चीज में इसमें यह है कि आपको कोई मसला परेशानी नहीं है, लेकिन है? एक चीज है आप ज़हन में ये रखें कि आपने कभी भी जब तक अगले आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है, मिसाल के तौर पे आपको अगली कंपनी कह नहीं रही कि आ जाओ ज्वाइन करो ड्यूटी, जी उस वक्त तक आप पिछली कंपनी को ना ही ना बताएं ना बताए। ही जवाब दें, अच्छा ठीक है? क्योंकि अगर आप 5-10 दिन भी जाया करते हैं तो वो आपका नुकसान है, ना जी इस जी कंपनी का नुकसान है ना उस कंपनी का। अभी मैंने जिस तरह तरीके से चेंज की थी तो माशाल्लाह से मेरा समझे एक दिन भी जाया नहीं हुआ है। रात को एलमैक्स की गाड़ी छोड़ी और वो भी वहीं पे उनकी बेस पे गाड़ी खड़ी की एलमैक्स की, अच्छा ड्राइवर इन्होंने वहां पे भेजे। अब इनको तो नहीं पता था कि मैं उस कंपनी में हूँ, क्योंकि मेरा हाँ अनलोडिंग उसी हाँ साइड पे थी, तो मैंने उधर खड़ी की और ड्राइवर अपने जानने वाले थे, तो उनको मैंने कहा आप फलानी जगह पे आ जाओ, सही तो मैंने सीधा उस कंपनी की बेस पे गाड़ी खड़ी की, वहीं से सामान उठाया उनके ही कमरे में रखा। ठीक तो रात को अपनी मतलब तैयारी वगैरह मुकम्मल की, सुबह उनको बताया कि मैं इधर आ गया हूँ, उन्होंने बोला रिपोर्ट हाँ किया रिपोर्ट किया, सही और दिन को 12-1 बजे उन्होंने मुझे गाड़ी की चाबी हैंड ओवर कर दी, डॉक्यूमेंट सारे हैंड ओवर कर दिए, और ठीक शाम को उन्होंने मुझे कहा आप जाके लोड अनलोडिंग के करें। लिए जाएं। हाँ जी सही हो गया। साजिद भाई, रमजान शरीफ चल रहा है, बिल्कुल। तो रमजान की क्या रूटीन है, कैसे आप, रोजा मुश्किल है या कैसे गुजर रहा है रमजान शरीफ? जी देखें रमजान शरीफ है तो मुश्किल, लेकिन मुश्किल काम ही करना तो तभी तो, अगर इजी हो तो फिर तो कोई मसला नहीं, हर कोई रख ले, थोड़ी बहुत तो मुश्किलें होती हैं, मुश्किल आती है लेकिन जो ये हमारी लाइन है ना इसमें थोड़ी सी और और मुश्किल क्या, है। और वैसे तो मुश्किल हमने होती है। सुना था कि सफर में माफ है, लेकिन ये हमारा वो सफर नहीं बनता, हाँ, हमारा तो काम है काम है, जॉब हम ऐसे ऐसी ही। कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो ये तो इसका मतलब वो बहाना हम नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है। कभी आपका अनलोडिंग का टाइम कुछ और है, लोडिंग का टाइम हाँ, कुछ और है, तो उसमें आपका सोने जागने का टाइम भी ड्राइवर नहीं आता। नहीं बराबर आता। मैं अपने दोस्तों से थोड़ी सी एक बात शेयर करूं, लास्ट जो अभी तो मैं क्योंकि इधर लोकल हूं इसलिए मुझे मसला नहीं है। लास्ट रमज़ान जो गुजरा है उसमें मैं लॉन्ग रोड पे था, कुछ कुछ टाइम ज़फरान भाई थे मेरे साथ, जी 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 तो लेकिन वो 10-15 रमज़ान उनके साथ गुजारा, उसके बाद मैं अकेला हो गया था। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती थी कि मतलब हमारी शिफ्ट ख़त्म हो रही है रात को, मिसाल के तौर पे 1 बजे, तो हम लोग इतने थके हुए होते थे कि मतलब अभी रोज़ा बंद होता है सुबह मतलब 4 बजे के लगभग, तो 1 बजे से 2-3 घंटे फिर सोना, फिर उठना, फिर सैरी करना, फिर सोना, और हमारे पास 9 घंटे होते थे जस्ट सोने के लिए, तो उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे खाना पकाना, तैयारी करना, फिर सैरी करना, फिर अफ्तारी का तो चले मुश्किल नहीं है, आप चलती गाड़ी में भी एक खजूर के साथ अफ्तारी करके तो बाकी खाना भी ना बाद में हो जाता था, लेकिन ये 1 महीना बहुत मुश्किल से गुजरा था। मौसमी जो हालात हैं उसके मुताबिक तो कोई मसला नहीं, इधर मतलब गर्मी नहीं है तो रोज़ा उस तरह तंग नहीं करता, एक और थकावट इश्यू है होती है, भूख लग जाती है। कि जी जो टाइमिंग का, हम डिफरेंट कंट्री में चले जाते हैं, हर जगह का मतलब हाँ, वो ये सुबह शाम का बड़ा बड़े अजीब डिफरेंट सी है चक्कर कि यहाँ पे हम लोगों को एक और मसला पेश है कि पोलैंड में, पोलैंड का टाइम अलग है, बेल्जियम में जाएंगे तो बेल्जियम का सबसे बड़ा बड़ा मतलब ज्यादा टाइम रोजा उधर होता है, जर्मनी का और है, तो सुबह हम लोग कहाँ पे हैं, शाम को कहाँ पे हैं, दिन को कहाँ पे हैं, तो रोज बरोज एक रूटीन से हम लोग रोजा ना रख सकते हैं ना ही हम रोजा खोल सकते हैं, तो ये एक बड़ी मुश्किल है। हम लोगों को नेट से सर्च करना पड़ता है, नेट भी बाज एप्स ऐसी हैं वो नहीं सही बताते हैं, कभी क्या होता है कभी क्या होता है, बस ये है कि हम लोग रख रहे हैं, कबूल अल्लाह ताला ने करना है, और अभी अभी भी काफी भूख लगी है जी हिम्मत नहीं है ज्यादा बातें करने की, तो चले साजिद भाई से गपशप होगी। माशाल्लाह वाल्वो गाड़ी साजिद भाई को दी हुई है उन्होंने, नई गाड़ी है, और पीछे है सलाजा मतलब फ्रिज है, और साजिद भाई आज बाई चांस हमारे करीब आके इन्होंने पार्क की थी, ये वीकेंड था, तो इंशाल्लाह अफ्तारी इनको अपने रूम में कराएंगे, गपशप होगी, तो अभी हम लोग इजाज़त चाहते हैं, दुआ में याद रखिएगा, और सब लोग
कोशिश करें, अल्लाह ताला आपके नसीब में भी करे। तो इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और दोस्त के साथ। इजाज़त चाहिए, अल्लाह हाफिज़।